और ये सब देख के ना आप थोड़े परेशान जरूर होंगे कि यहाँ पे। तो आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ लेजर कराने के लिए। Assalamualaikum guys, what's going on? This is your boy Mr. T. I hope आप सब खैर हो, आफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। And I welcome back to this new vlog. अगर आप चैनल पे नए और इस व्लॉग को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आई नो आई माइट बी साउंडिंग वियर्ड आफ्टर सेइंग दिस बट या आई विल गेट यूज्ड टू इट। सो मैं अभी बाहर आया हूँ मेरे लेज़र कराने के लिए। तो आई बीन फॉलोइंग माई लेज़र हेयर रिमूवल सेशन फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो आज मेरा लास्ट लेज़र सेशन है। सो इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ एल्फोर्ड का एक लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कराऊँगा। तो चलिए लेट्स गो। तो आखिरकार मैं पहुंच गया हूं लेज़र कराने के लिए। एज़ यूजुअल मैं लेट, आज भी लेट, और यहाँ मुझे पता है कि ये ड्रामे करेंगे। वैसे कसूर इनका भी कोई नहीं है, कसूर मेरा है। मैं लेट आ गया, नाउ आई हैव टू वेट। सो दिस इज़ लेज़र क्लिनिक्स। मुझे बताया 2:35 पे वापस आने के लिए, तो अभी मुझे करीबन और 25 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा घूम फिर के आके चलते हैं वापस फिर। और ये सब देख के ना आप थोड़े परेशान ज़रूर होंगे कि यहाँ पे भी ये सब होता है। हाँ, यहाँ पे भी बाहर स्टॉल्स लगते हैं ऐसे, और चीप कपड़े या जिसने जो भी चीज़ें होती है वो बेची जाती है। और एल्फोर्ड में रहने का एक फ़ायदा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो ये है एल्फोर्ड का हाई स्ट्रीट, यहाँ पर लिडल है, ये बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के साथ में है, वहाँ पर ट्रेन स्टेशन है। और ये है एल्फोर्ड का मॉल, एक्सचेंज मॉल। How much are you selling it for? Depend on the bottle size. How much is this for? That's 7 pounds. 7 pounds. 7. No discount. Yeah. No discount. Sorry, 7 pounds. What discount I can give? Oh, give me the best one. One I will take this second wife. Golden Dust. Yeah. Was that golden? Golden Dust. Golden Dust. Yeah, that's fine. Give me two. No, these two. Yeah, thank you. तो सेकंड वाइफ ना आप लाजमी ट्राई करें। दिस इज द वन आई लाइक बेस्ट। मैं स्वीट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो यू शुड ट्राई दिस वन। गाइस, दिस इज आयशा। और ताजुब की बात ये है कि मैंने सारी अपनी सेशंस ना इनसे ले ली है। और व्हाट्स इंटरेस्टिंग, ये भी मुजफ्फराबाद से, और ये बात मुझे अभी पता चली है। आयशा, वुड यू लाइक टू से हाय? शी इज अ कैमरा शाय पर्सन, शी डजंट वांट टू से हाय, बट आई नो आई फील रियली गुड, शी इज फ्रॉम मुजफ्फराबाद। तो ये भी कश्मीरी है, और मुझे अब पता चला कि मेरी ट्रीटमेंट ना कश्मीरी ही कर रही है। एंड आई फील रियली गुड, से जिंदाबाद कश्मीर, जिंदाबाद। तो यस, अपनी लेज़र हो गई ख़त्म। तो अभी ये थोड़ा लाल दिख रहा होगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद ना ये नॉर्मल हो जाता है। तो आज मेरी आई बिलीव 8वीं सेशन थी, 2 मेरी मिस हो गई थी क्योंकि ये दोबारा रिबुक नहीं करता है। बाय ऑल थैंक्स टू दिस लेडी, इसने दोबारा बुक किया। भाई अब खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, चलते हैं उस्ताद पहलवान बिरयानी के पास। चीपेस्ट बिरयानी, 2 पाउंड की बिरयानी है। मुझे लगता है अब इंडिया में भी ना यार 2 पाउंड की बिरयानी नहीं मिलती होगी 200 रुपये की, यार वहाँ पे भी अब 100-150 रुपये की बिरयानी मिलती है। और यार अल्लाह रहम करे इस बंदे का, यार ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे। पहलवान बिरयानी एक बार खाओ यार, अगर बंदा खुद वहाँ पे होगा ना, दोबारा रिफ़िल करता है, तीसरी बार भी रिफ़िल करता है। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना खा लो। ए अल्लाह ब्लेस दिस गाय। सी फॉर नॉर्मल पर्सन फॉर 3 pounds, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सक्लूसली 2 pound की बिरयानी भेज देता है, और उसके बाद ये रिफिल भी करता है बार बार। सी स्पेशल ऑफर फॉर स्टूडेंट्स, 50p देसी घी का जर्दा। 50p में क्या आता है भाई यार, 50p में यार कुछ भी नहीं आता यहाँ पर, यहाँ भिखारी भी 50p नहीं लेता है। भाई ये है अपनी बिरयानी,
ये है जर्दा, 50 रुपये जर्दा। या अगर नॉर्मल भी बिरयानी लेनी होगी ना तो 8 पाउंड से स्टार्ट है। ये बंदा 2 पाउंड की बिरयानी बेचता है, देखो पोर्शन कितना बड़ा है। हाँ जी, पेट पूजा होगी पूरी। तो यहाँ से ना इल्फर्ड लेन स्टार्ट होता है, ये इल्फर्ड का एक मशहूर मार्केट है। इल्फर्ड का क्या कह सकता हूँ मैं, यूके का बहुत बड़ा मशहूर मार्केट है। तो ये सारा जो मार्केट ये पूरा देसियों का है, पाकिस्तानी इंडियंस मिक्स, कुछ बंगाली शॉप्स भी है इसमें। और सी देख लीजिए लाहौरी दरबार, बिदा जोया। तो वाइल यू वॉक डाउन द स्ट्रीट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इंग्लैंड के किसी शहर में हो। आई स्वेयर आपको ऐसा लगेगा, मुझे यहाँ पे ना आके ऐसा फील होता कि मैं कहीं यार चांदनी चौक के गलियों में चल रहा हूँ। लुक एट दिस, इल्फर्ड में रहने का ये एक फायदा जरूर है कि यहाँ पे ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है। सबसे ज़्यादा ग्रोसरी तो यार सस्ती मिलती है, सब्जी से लेके ए टू जेड चीज़ें, कपड़ों से लेकर हर एक चीज़ सस्ती मिलती है। और मुझे जब भी घर की याद आती है तो मैं यहाँ से कश्मीरी चाय लेता हूँ। ये कश्मीरी चाय बेचते हैं ये लोग ना, मीरपुरी है या तो फिर मुजफ़्फ़राबाद से हैं, तो ये बेचते हैं कश्मीरी टी। बट ये लोग ना चीनी डालते हैं, हम तो नमक डालते हैं। बट हाँ, दैट इज़ नाइस। सी आपको भी ऐसा लग रहा होगा, नहीं लग रहा ना, ये कोई यू नो यहाँ के स्ट्रीट्स ने ऐसा फील देते कि ये कोई घर का ऐसा कोई इलाका है, इंडिया में कोई ऐसा इलाका है या पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका है। ये सारी बहनों के लिए नाइस कलेक्शन, किसी को कुछ पसंद आए तो यार प्लीज कॉन्टैक्ट मी, मैं आपके लिए खरीद के लेके दूंगा, लेकिन पैसे ज़रूर देने पड़ेंगे आपको। और ये रहा बीबी फातिमा का कैश एंड कैरी, इसके कई सारे ब्रांच है अक्रॉस द यूके। ए टू जेड सारी देसी चीज़ें, मसालों से लेकर हर एक चीज़ यहाँ से मिलती है। जो आपको, जो आपके घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आपको वहाँ मिलती है, वो आपको यहाँ से बीबी फातिमा से मिल सकती है। तो या आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अरे डिजाइनर धागे, यहाँ से भी डिपार्टमेंटल स्टोर है। इल्फर्ड लेना बड़ा मशहूर है, काफी ज्यादा मशहूर है ये। ये देखो भाई साहब दे रहा है लोगों को टिकटें, किसी ने गलत पार्किंग की होगी, 65 पाउंड की टिकट्स। ये बहुत बड़ा मुसीबत है यहाँ का। समोसे खाने, यस। अब जितने भी यहाँ के बुचर्स हैं ना, जितने भी मीट शॉप्स हैं, आई स्वेयर इतने साफ है, इतने हाइजीनिक है। मैं अभी आपको एक मीट शॉप पे लेके चलता हूँ, तो इतनी सफाई, नीट एंड क्लीन। थोड़ी खरीदो फरोख्त की जाए सिंग्सबरीज से, ये अपने इंडियन की शॉप है, रिसेंटली लोगों ने खोली 2-3 महीने पहले। नाइस प्राइस, सब्जी बिल्कुल फ्रेश। ब्रो एक्सक्यूज मी ब्रो, वी हैव मजदूर खजूर, खजूर और थैंक यू ब्रो, सो लुकिंग फॉर देम वंस। ये ढूंढ रहा था 3-4-5 पाउंड, 3-4-5 पाउंड। सो यस ब्यूटीफुल पीपल, ये था इल्फर्ड लेन।
और इल्फर्ड में ना जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन लोग रहता है वो पाकिस्तानीज रहता है, 80% पाकिस्तानीज रहता है, रेस्ट बंगालीज एंड इंडियंस मिक्स है। बट मुझे तो अमूमन यार मैं जब भी बाहर निकला हूँ मुझे ज़्यादातर अपने पाकिस्तानी भाई बहन मिलते हैं। सो यह और ये था पूरा इल्फर्ड लेन और यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं सारे पाकिस्तानी की है और कुछ गिने चुने शॉप्स होंगे जो एक आधी बंगाली की होगी या किसी इंडियन की होगी, बट रेस्ट ऑफ ऑल द शॉप्स आर ओन्ड बाय द पाकिस्तानीज। और यहाँ आके ना एक अलग फील आता है यार, यू डोंट फील लाइक कि यार तुम घर से कहीं दूर हो, ऐसा लगता है कि यार तुम ना घर पे ही हो। सो वो एक सेटिस्फैक्शन होती है यहाँ पे आई बीन आई थिंक एक साल मैंने स्टे किया यहाँ पे, अभी मैं हैकनी टाउन में हूँ, बट आई स्वेयर आई डोंट लाइक दैट एरिया। लोग ये कहते कि ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे, ये नवाज शरीफ की है, अल्लाह बेहतर जाने। बट यहाँ पे जिससे भी सुना है कि वो यही कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये नवाज शरीफ की है। अब देखो नवाज शरीफ ने पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया है, इमेजिन कर सकते हो, ये बिल्कुल सिटी सेंटर के बीचों बीच है। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, भूलना मत, सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। आई विल सी यू गाइस सून, लुक आफ्टर योरसेल्फ वेल, टेक केयर।